सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि इन्हें पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, जबकि कर्मचारी पिछले 12 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला सफाई कर्मचारी भी शामिल रही। इन्होंने सरकार से स्थायी करने की मांग की है, साथ ही कहा है कि वक्त पर सैलरी के साथ साथ उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सोनीपत में सफाई कर्मचारी एक बार फिर से बैनर लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। आप यह तस्वीर यहां पर देख सकते हैं कि कर्मचारी बाकायदा अब अपना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। इनकी प्रमुख क्या मांगे हैं एक बार महिलाओं से पूछ लेते हैं। इनकी जो मांगे हैं, क्या नाम है आपका? सुनीता जी। मांगे हैं, क्या मांग करते हो, आज प्रदर्शन कर रहे हो? प्रदर्शन जी, 3 महीने हो गए तनख्वाह मिले हमने, भूखे प्यासे हम कैसे काम करेंगे साहब जी? ना संडे की छुट्टी है कोई भी, हमारी सर्दी में कैसे कैसे आए जाए, सर में दर्द हो जाए, सर धोले है तो बीमार हो जाए हैं, तो इनसे हमारा कैसे काम चलेगा? जिस तरह से बता रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल पा रही है 3 महीने से, यूनियन के प्रधान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुकेश है जी। अच्छा मुकेश जी, क्या प्रमुख समस्याएं हैं और आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? प्रमुख समस्या तो ये है जी, एक तो सैलरी का बहुत बड़ा इशू है, सैलरी समय से नहीं आ रही कर्मचारियों की, और बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं नगर निगम के, लेकिन कोई समस्या समाधान नहीं किया जा रहा। और 2 कर्मचारियों को परसों हमारे को हटा दिया गया है निगम के अधिकारी द्वारा, और झाड़ू है, झाड़ू 3 महीने का कई दिन ठेकेदार 3 महीने की झाड़ू देंगे, लेकिन 1 ही महीने की झाड़ू दी हमारे को, और ना तो कोई हाजिरी कार्ड है, और हाजिरियां कट जाती कर्मचारियों की, और 3 महीने से ठेका कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई जी। बता जी कहाँ जाए गरीब कर्मचारी, और ना तो सरकार सुनाई कर रही जी, सरकार को तो सुनाई करनी चाहिए ना। अच्छा जी, इस तरह से ये मांग जो है आपकी सरकार के सामने, क्या प्रमुख मांगे और समाधान क्या मांगते हो? समाधान यही मांगते हैं जी, एक तो सबसे पहले ठेका प्रथा खत्म करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वे गरीब कर्मचारी हैं, सुबह आते हैं 7 बजे और शाम को 5 बजे जाते हैं जी, और गंदगियां काम करते हैं। सरकार को एक दिन की ना ठेका प्रथा बंद करनी चाहिए, उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, सैलरी बहुत कम है, गुजारा नहीं होता जी 12,000 रुपए में। तो सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि किसी भी कर्मचारियों को पेरोल पे लिया जाए, ठेके कर्मचारियों को, और इनकी सैलरी टाइम से दिलाई जाए और सैलरी बढ़ाई जाए, और किसी भी कर्मचारी की छटनी ना की जाए। पुराना कर्मचारी है और 12-12 साल से लगे हुए हैं और 15-15 साल हो गए, उनको 1 मिनट बैठा दिया जाता जी। जिस तरह से बता रहे हैं कि पिछले 12 वर्षों से जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए और उनको पेरोल पर लेना चाहिए, इसके अतिरिक्त उन्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।